पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। सनसनीखेज हत्याकांड से फिर से एक बार दहल उठी दिल्ली। साहिल ने 16 वर्ष की लड़की को चाकू से गोद डाला। बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है ये वैसी दरिंदा। आपको बता दें कि शहबाज डेरी इलाके में हुए सनसनीखेज हत्याकांड से राजधानी दिल्ली एक बार फिर से दहल उठी है। यहाँ बी ब्लॉक में एक नाबालिग लड़की की चाकू से 2 दर्जन से ज्यादा बार वार करके हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान जेजे कॉलोनी निवासी साक्षी यानी 16 वर्ष के रूप में पहचान हुई। उसका शव गली में पड़ा मिला। वही आरोपी की पहचान मोहम्मद सरफराज के बेटे मोहम्मद साहिल के रूप में हुई। वह शहबाज डेरी इलाके में ही रहता है और मैकेनिक का काम करता है। शहबाज डेरी थाना पुलिस ने आरोपित साहिल को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार और पुलिस प्रशासन के हाथ में है, लेकिन लगातार दिल्ली जैसे यानी देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं आम हो रही हैं। तमाम बार हमने देखा कि कहीं महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, कहीं नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म हो जाता है, लेकिन इन अपराधियों पर पुलिस प्रशासन का कोई खास खौफ देखने को नहीं मिलता। पुलिस अब उससे वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के मुताबिक शहबाज डेरी थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय लड़की की उसके प्रेमी ने चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसकी पहचान 20 वर्षीय साहिल के रूप में हुई। साहिल और नाबालिग रिलेशनशिप में थे, लेकिन कल यानी रविवार उनका झगड़ा हो गया। लड़की अपने दोस्त के बेटे के जन्मदिन में शामिल होने की योजना बना रही थी, जब आरोपी ने उसे रोका, उस पर चाकू से कई वार किए और उसके बाद उस पर पत्थर दे मारा। पहले से एक दूसरे को जानते थे लड़का लड़की। शहबाज हत्या मामले में आउटर नॉर्थ डीसीपी राजा बंथिया ने कहा कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, लेकिन कब से जानते थे यह जांच का विषय है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले को लेकर दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी बयान दे रही हैं और तमाम लोग ये बयानबाजी, क्योंकि एक सनसनीखेज घटना है। 16 वर्ष की नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। आपको बता दें, इस मामले पर नॉर्थ डीसीपी राजा बंथिया ने कहा कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने ये कहा कि कब से जानते थे ये जांच का विषय। अभी ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं आई। हम इस मामले की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। 6 टीमें जांच के लिए बनाई गई थी। अपराधी को पकड़ने की कोशिश जारी थी और अपराधी को पकड़ लिया गया। चाकू से 20 से ज्यादा वार किए जाने के मामले इस प्रकरण में यह बात सामने आई है कि लड़की के बात ना करने से खफा था साहिल। साहिल की बुआ बुलंदशहर में रहती है। पुलिस को कल यानी रविवार को पता चला था कि घटना के बाद वह बुआ के पास जा सकता है। पुलिस जब वहां पहुंची तो साहिल वहां मिल गया। संयुक्त आयुक्त विवेक किशोर का कहना है कि साहिल ने साक्षी पर चाकू से 34 बार वार किए थे। कई दिनों से साक्षी ने उनसे बात करना बंद कर दिया गया था। रविवार रात अचानक साहिल का लड़की से अचानक आमना सामना हो जाता है और सामना सामने होते ही उसने चाकू निकाला और बेरहमी से साक्षी की हत्या कर दी। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर वैशी दरिंदा जब गिरफ्तार हुआ तो मीडिया ने उससे पूछा तो उसके मुंह से चू तक नहीं निकली। उस पर अभी भी तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस अपराधी को फांसी की सजा। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। साहिल, आपने साक्षी का मर्डर किया, क्या मामला है? साक्षी, साहिल, साहिल बोलो, क्यों मारा है? साहिल, साहिल क्यों मारा है? साहिल, साहिल क्यों मारा है? क्या वजह थी साहिल? क्यों मारा साक्षी को? साहिल, साहिल बताओ ना साक्षी को। साहिल, साहिल क्यों मारा? साहिल क्यों मारा है? साहिल क्यों मारा था? क्यों मारा था?
मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ कई सालों से, पर मैंने इतना डराने वाला केस शायद ही कभी देखा है। एक 16 साल की लड़की, उसको सड़क पर, बीच सड़क पे सब लोगों के सामने 40 से 50 बार चाकू से मारा गया और उसके बाद ईंट मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। कितना बेरहमी से उसको मारा गया, ये सारा का सारा सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कैप्चर हुआ है। और उस वीडियो में ये भी देख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। तो दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसको बदलने की जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाएं जिसमें देश के होम मिनिस्टर हों, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है, LG साहब हों, मुख्यमंत्री हों, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हों और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो। हर दिन दिल्ली महिला आयोग के पास कम से कम 6 रेप केसेस आ रहे हैं, लड़कियों को बुरी बुरी तरीके से मारा जा रहा है और ये कब तक चलता रहेगा? अगर अब कुछ नहीं करा गया तो लड़कियां ऐसे ही मरती रहेंगी। अभी दिल्ली पुलिस के आप आए दिन ऐसे मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर दिए हैं, लेकिन उसका कुछ असर होता दिखता नहीं है। क्या लगता है आपको कड़ी कदम उठाए जाने की जरूरत है? जिस दिन इस देश की पुलिस व्यवस्था सुधर जाए, उस दिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी लड़की या महिला के खिलाफ कुछ भी कर जाए। आज जो हो रहा है वो पूरा तरीके से एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर दिल्ली में दर्शाता है, और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एक हाई लेवल कमेटी होनी चाहिए। पहले अंजलि हुई, उसके बीच में और तब से लेकर अब तक पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ किस किस तरीके के क्राइम्स हुए हैं। जब तक सरकार इसके ऊपर जागेगी नहीं, तब तक बच्चियां इसी तरीके से मरती रहेंगी। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। हर हाल में सजाएं होनी चाहिए, तुरंत सजाएं होनी चाहिए, प्रोसेस द्वारा सजाएं होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए, तब जाके क्रिमिनल्स में एक डर बैठेगा। आपको लगता है इसमें जन जागरूकता की भी जरूरत है, क्योंकि कई लोग वहां से गुजरते हुए दिख रहे हैं, किसी ने कुछ हलचल भी किसी में नहीं दिखाई दे रही है, कोई बोल भी नहीं रहा है कि क्या कर रहे हो तुम। जी मैं बिल्कुल मानती हूँ, एक बहुत असंवेदनशीलता हो गई है और लोगों के अंदर बहुत डर है। लोगों को ये लगता है कि अगर किसी की मदद कर दी तो पता नहीं उल्टा क्या हो जाएगा, लेकिन मैं इन लोगों से सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि रात में सोते कैसे होंगे? उस लड़की की इतनी चीखें जब सुनाई दी और आपने पलट के भी नहीं देखा, आपने उसकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं करी और घर जाके सो गए, तो ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा।